सीजन 2 के एपिसोड 1 में हमें गेतो को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सी गली में जाता रहता है। वहाँ पे उसे एक कर्स्ट मिलता है। गेतो अपना जुजुत्सु यूज करके उस कर्स्ट को मार देता है और उसको एक बॉल की तरह बना के अपने अंदर स्वेलो कर लेता है। ये उसकी एक जुजुत्सु टेक्निक रहती है। फिर हमें एक अमीर आदमी का बैक स्टोरी बताया जाता है कि उसके पास बहुत सारे बिजनेसेस थे और उसका ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर महामारी आने के बाद उसका सारा बिजनेस फेल होते गया और ऐसे ही चलते चलते वो अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लेता है। और अब तो उस घर को भी सब भूतिया घर कहने लगे थे, लेकिन अब तो वहाँ पे सब कॉलेज के स्टूडेंट अपना हिम्मत दिखाने के लिए जाते भी थे और कभी लौट के वापस आ भी नहीं पाते थे। और इसी चीज से रिलेटेड एक मिशन मेमे और उताहेमे को दिया जाता है कि वहाँ जाके चेक करें कि कौन सा ऐसा कर्स है जो इंसानों को डिस्टर्ब कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेमे और उताहेमे को दिखाया जाता है जो कि उस घर के पास पहुँची रहती है और उस घर के अंदर जाती रहती है। जब वो दोनों उस घर के अंदर चली जाती है तो वो लोग देखती है कि ये घर बहुत ही ज़्यादा पुराना रहता है और बहुत ख़राब स्थिति में रहता है। तभी मेमे कहती है कि मैं यहाँ का फर्स्ट फ्लोर चेक कर लेती हूँ और तुम ग्राउंड फ्लोर चेक कर लो। तो उताहेमे ग्राउंड फ्लोर चेक करने जाती है तो उसे एक बेड के नीचे से आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ को चेक करती है तो उसके 3 चूहे देखते हैं और वो उस चूहे को देख के डर जाती है। तभी वहाँ पे मेमे भी आ जाती है और उसे और डरा देती है। तभी उताहेमे उसे पूछती है कि तुम तो फर्स्ट फ्लोर पे थी, ये ग्राउंड फ्लोर पे तुम कैसे आ गए। तो मेमे उसको बताती है कि मैं फर्स्ट फ्लोर के लॉबी में ही थी, लेकिन फिर मुझे तुम दिख गए। और उसको ये भी बताती है कि मैं यहाँ पे जब भी चल रही हूँ तो मुझे ये सब पैकेट और चिप्स के पैकेट दिख रहे हैं, यानी कि हम लोग एक लूप में फंस चुके हैं और ये सब उस कर्स की वजह से हुआ है। फिर उताहेमे अपना दिमाग लगाती है और कहती है ये जो लूप है ये एक सर्कल की तरह नहीं, एक ट्रेन के डिब्बे की तरह है। जब भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये लोग एक आगे से आगे लूप को कनेक्ट किया जा रहा है। तो वो कहती है कि अगर हम लोग तेज़ी से सामने की ओर दौड़ें तो कर्ज को टाइम ही नहीं मिलेगा और ये लूप टूट जाएगा। तभी मेमे कहती है कि तुमने बात तो सही की, लेकिन तो मैं तुम्हें इसके 90 नंबर ही दूंगी, क्योंकि अगर हम लोग दोनों एक समय पे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ें तो ये लूप बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। जिसको उताहेमे भी बोलती है तुमने बात तो सही बोली है। फिर वो दोनों ही भागना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं ये लूप भी धीरे धीरे टूटते जाता है और एक वक्त में पूरा बिल्डिंग ही टूट जाता है। तभी वहाँ पे गोजो आ जाता है और वो गोजो उताहेमे से पूछता है उताहेमे तुम सही तो हो। जिसको सुन के उताहेमे गुस्से हो जाती है क्योंकि वो पत्थर के नीचे उस वक्त दबी रहती है। उसी वक्त उस घर का कर्स भी बाहर निकल आता है, लेकिन इस वक्त गेतो भी उसके साथ रहता है जो गेतो आराम से उस कर्स को मार देता है। फिर हमें सोको को दिखाया जाता है जिसको देखकर उताहेमे तुरंत ही जाके हक कर लेती है और कहती है उसको तुम ही तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें यागा दिखाया जाता है जो इन तीनों का टीचर रहता है और वो इन तीनों से पूछता रहता है कि वहाँ पे तोड़फोड़ किसने मचाई थी। तभी गोजो कहता है वो मैं था, जिसको देखकर यागा उसको एक पंच ही मार देता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग बास्केटबॉल कोर्ट में रहते हैं और गोजो कहता है मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी कि मुझे इसके लिए एक पंच ही मार दिया गया। तभी गेतो कहता है कि तुम इसी के लायक हो और उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बुरा सुनाने लग जाता है। तो गोजो भी गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो दोनों लड़ने की ओर बढ़ते रहते हैं वहाँ पे वापस से यागा आ जाता है और यागा को देखते ही दोनों लोग कसरत करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं उसके सामने। तभी हमें बताया जाता है कि गेतो और गोजो को एक मिशन मिला है एक लड़की को बचाने के लिए। इन लड़की को बचाने के लिए इन दोनों को इसलिए मिशन मिला है क्योंकि लॉर्ड टेंजेन जो कि अमर है और जो हर 500 साल में अपना बॉडी चेंज करते हैं वो इस बार इस लड़की के बॉडी में जाएंगे और इस लड़की को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन दोनों को ये भी बताया जाता है कि इस वक्त एक ग्रुप है जो चाहता है कि ये लड़की को मार दें और लॉर्ड टेंजेन अपना बॉडी एक्सचेंज ना कर पाएँ, इसलिए इन दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग भी है और इन दोनों को उस लड़की को बचाने के लिए एक मिशन दे दिया जाता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर जब गेतो लिफ्ट से उस लड़की के घर पे जाते रहता है तो गोजो नीचे रह के कहता है कि हम दोनों इतने स्ट्रांग हैं, हम दोनों को क्या ही कुछ होगा।
जब गेटो उसके घर के पास पहुंचता है तभी बिल्डिंग में एक बहुत जोर का धमाका हो जाता है, लेकिन गेटो को कुछ होता भी नहीं है। तो वो देखता है कि वो लड़की जो रहती है वो बिल्डिंग से नीचे गिरती रहती है, तो गेटो अपना कर्स यूज़ करके उस लड़की को बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वो कहता है कि मैं ये यूनिफॉर्म को देख के समझ गया तुम जुजुत्सु हाई के ही बंदे हो। फिर हमें गोजो को दिखाया जाता है जो गेटो से बात करते रहता है, लेकिन अचानक से उस पर बहुत सारे नाइफ से हमला किया जाता है, लेकिन उसको एक नाइफ भी टच नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी पावर रहती है। तभी जो नाइफ फेंकता है विलेन, वो कहता है ओ तुम तो गोजो हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्या सही में तुम उतने स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने सुना है? तभी गोजो कहता है कि अब मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझसे भीख की मौत मांग न लो। तभी दूसरे बिल्डिंग के टॉप पे दो आदमी बात करते रहते हैं और उनमें से एक कहता है कि हमारे ग्रुप के पास पैसा तो बहुत है लेकिन एक भी कर्स यूज़र नहीं है। उसमें से दूसरा आदमी कहता है जिसका नाम फुसी गुरु रहता है, वो कहता है मैं तुम्हारा काम ये अब कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और यहीं पे इसका फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं।